आप हैं वैसे कभी हम भी थे, जैसे आप हैं वैसे कभी हम भी थे, जैसे हम हैं वैसे कभी आपको भी होना है, जैसे हम हैं वैसे कभी आपको भी होना है। कब्रिस्तान जाते हैं और आजकल माहौल ही बदल गया, इतनी खुदगर्जी हो गई, महल्ले का कोई अमीर आदमी इंतकाल कर जाए ना, रिश्तेदार भी पड़ोसी भी मार्केट वाला भी बाजार वाला भी आके होकर बच्चों को दिखाता मैं आया था जनाजे में, आगे होकर। और किसी गरीब का मैयत हो जाए दुकान पर आकर बेटे का फला मर गया है हो जाइए उसकी मैयत में जनाजे में हो आना उसके, जो आज मरा है कल तुझे भी मरना है, जो आज उठा कल तुझे भी उठना है। मैं अर्ज करना चाहता हूं फिक्र इसकी कि कब्र हमने बनाई या नहीं, फिक्र इसकी कि हमने आखिरत ही बनाया, हमने सब मुल्लाओं पर छोड़ दिया। जैसे नमाज पढ़ते जो नियत मौली साहब की वही नियत मेरी, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर 60 साल इसी में गुजार दी, चाहे इमाम नियत बांधे ना बांधे, इसने कहा जो मौली साहब की नियत है वही मेरी नियत है। हमने समझ रखा है, हमने कहा शराब हम पिए, जिना हम करें कम हम तोलें, झूठ हम बोलें कम हम नापें, हां सूद हम लें रिश्वत हम लें, पर्चियां हम खोलें फ्राइड बॉन्ड, घर में दादा को नजर नहीं आता पोते को बिठाकर देखिए कौन सा नंबर है, पोते ने लिस्ट निकाली है फला नंबर फला नंबर, पर्चियों का देख, वो देख रहा पर्चियों को, देखते 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 हो गया, अच्छा क्या हो गया, कहा दादा एक जीरो से रह गया, सारा काम हो गया एक जीरो अगर आ जाता मुकद्दर खुल जाते। ये भी सारे दिन गम कर रहा है ये जीरो आया क्यों नहीं, ये जीरो तरक्की का नहीं है, ये जीरो तनज़ली का जीरो है, हां ये जीरो तबाह और बर्बाद करने का जीरो है। रहमत वाले नबी ने फरमाया जो आदमी सूद लेता है सूद देता है सबसे छोटा गुनाह यह है कि वह अपनी मां के साथ जिना किया था। खुश हो रहे हैं हम पर वही निकलते, कभी ध्यान ही नहीं किया, हमने कहा जो मुल्ला जाने हम जाने, जब मर जाता ना आदमी बेटा जो बाप के गले में अब्बा अब्बा सारे दिन पीछा नहीं छोड़ता था, अब्बा मोटरसाइकिल चाहिए मोटरसाइकिल दिला दी, अब्बा बड़ी वाली चाहिए, बड़ी वाली कौन सी होती है कि ये छोटी है 1 to 5 बड़ी होती है, उसने कहा अच्छा चलो भाई बड़ी दिलाएंगे, वो 1 to 5 भी आ गए, अब्बा बड़ी गाड़ी उसने कार भी दिला दी है, ये पता ही नहीं कि अब्बा कर क्या रहा है, सब कुछ दिलाया लेकिन जिस चारपाई पर मरा है बेटा दूर खड़ा है, चारपाई के करीब आने को तैयार नहीं, वो चारपाई को दूर खड़ा कर दिया, क्या करोगे भाई, कहा इस चारपाई को किसी गरीब को देंगे, अब्बा के सारे कपड़े उठाए, ये वही अब्बा है जिसने दुकानें बनाई है मार्केट बनाई है कारखाना बनाया है फैक्ट्री बनाई है सब कुछ तुझे लेकर दिया है, तवज्जो करना ये वही अब्बा है। बाप बेटे की चारपाई पर, बेटा बाप की चारपाई पर बैठने को तैयार नहीं, जिस चारपाई पर अम्मा मरी बेटी उस चारपाई पर बैठने को तैयार नहीं, तुम्हें किसने कहा कि इस चारपाई पर बैठने से मौत आ जाएगी, अगर ऐसे मौत आती एक कोई नहीं बचता, चारपाई को अलग कर दिया कपड़ों को अलग कर दिया। जब अब्बा को मरे हुए कई दिन गुजर गए तो बाजार से जोड़ा खरीदा है, रुमाल खरीदी है टोपी खरीदी है जुराब खरीदी है इजार बंद मोजे नाड़ा सारा कुछ जमा करके, मेरे पास जुमे में एक आदमी आया एक थैली मेरे हाथ में पकड़ाई, मैं बड़ा हैरान, थैली से निकाला एक जोड़ा निकला टोपी निकली बनियान निकला रुमाल निकला छोटा परस निकला नाड़ा निकला सारी चीजें निकली, आखिर में नसवार के डिबिया, भाई ये किस लिए, उसने कहा मेरा अब्बा बड़ा शौक से इस्तेमाल करता था, सलाम मिलेगा उसे, हमने कहा ये दिया है और अब्बा को जन्नत मिल गई है, इतना सादा अल्लाह नहीं है जितना मैंने आपने समझ रखा है, एक जोड़े में जान नहीं छूटेगी। हम समझते हैं 40 दिन मुल्ला को रोटी भिजाई काम मिल गया,
और अब तो कायदा हो गया, खुद कुछ नहीं पढ़ते, न बेटी पढ़े न बेटा पढ़े न घरवाली पढ़े, मरा शोहर है पढ़ने को कोई तैयार नहीं। बुलाओ मदीनतुल उलूम से, कासिमुल उलूम से बुलाओ, बच्चों को जमा करो। क्या होगा जी, अब के लिए ईसाले सवाब है, कुरान खानी घर में, महफिल मिलाद शरीफ और बाहर कुरान खानी, सुभान अल्लाह। और वो बच्चे भी मदरसे के आते हैं ना, अब होशियार हो गए, ऐसे हिलते हैं जैसे स्प्रिंग लगे हुए, सुभान, कुरान पढ़ रहे हैं, डेढ़ मिनट में 3 सिपारे मुकम्मल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसी स्पीड है। हाँ, तू अभी पानी का जग रख रहा है, गिलास रख रहा है, चादर बिछाई है, कुरान खानी है, अब्बा कई साले सवाब, और उसने 2.5 मिनट बाद कहा कुरान पूरा। हो गया ईसाले सवाब। और फिर अब ये मुल्ला कंपनी भी होशियार हो गई, कबाब तेरे, बिरयानी तेरी, हलवा तेरा, सारी कौरमा तेरा। इसने कहा या अल्लाह जो कुछ कुरान पढ़ा वो सारा मेरे अब्बा के लिए है, पढ़े ये तेरे अब्बा को जन्नत मिले, मुलाजिम है तेरा, क्यों नहीं पढ़ते खुद। कराची में एक इलाका है गिजरी का, मुझे वहां एक हाजी साहब ने, बेचारा नया नया गया था जमात में, मुझे बुलाया तकरीर के लिए, तकरीर बाद बयान हुआ, कहने लगा रात मेरे घर कयाम फरमाए। मैं रात घर ठहर गया, सुबह नाश्ते की दावत है, फजर की नमाज के बाद, कहने लगा कमरे में आराम फरमाए, मैं नाश्ते के लिए खुद बुलाऊंगा जब टाइम हो जाएगा। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मैंने कहा पता नहीं इसके नाश्ते का टाइम शाम को होता है, दोपहर में होता है, कब होता है। 11:30-12 बजे कमरे का दरवाजा बजा, मैंने कहा या अल्लाह तेरी मेहरबानी, मैं फजर के बाद नाश्ता करने वाला आदमी, 11:30 बजे कमरे का दरवाजा, मैंने खोला, मुलाजिम आया, साहब बुला रहे हैं नीचे। मैं नीचे आया, टेबल रखा है, कुर्सियां रखी हैं, हाजी साहब बैठे हैं नाश्ते के लिए, मैं भी एक कुर्सी पर बैठा। कहने लगा माफ कीजिएगा देर हो गई, हम तो जल्दी नाश्ता कर रहे हैं, वरना 12:30 बजे होता है, आपके लिए ये सारा इंतजाम किया है जल्दी। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसने मेहरबानी की, जल्दी मैं भी कुर्सी पर बैठा। उसने मुलाजिम से कहा दोनों बच्चों को बुला लाओ। कहने लगा माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, बड़ी खिदमत करते हैं माशाल्लाह, आपसे मुलाकात, रात नहीं थे जलसे में, आपसे मुलाकात होगी। मैंने कहा अच्छा, मैं बैठ गया, सामने सीढ़ी पर से एक उतरता हुआ है, इतना इतना वो उसे क्या कहते हैं शॉर्ट, छोटा लेकर शॉर्ट, और ऊपर एक शर्ट, नीचे उतरा सीढ़ियों से, मुझे और अब्बा को देखा, कहने लगा हाय। मैंने उसे देखा, उसके बाप ने भी कहा हाय। दूसरी सीढ़ी से दूसरा बेटा उतरा, वही कपड़े वही शॉर्ट, कहने लगा हाय। मैंने उस हाजी साहब से पूछा, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, क्या आपको नहीं पता। मैंने कहा ये सुबह का सलाम है हाय। मैंने कहा जब से ये हाय चली है चीनी पर हाय, पेट्रोल पर हाय, हाँ सारे मुल्क में हाय आए जब से हमने ये हाय चलाई है। अर्ज करना चाहता हूं कब्र की फिक्र करो, आखिरत के मैदान की फिक्र करो, हशर के मैदान की फिक्र करो, कब्र की होशरुबा घड़ियों की फिक्र करो। रहमत वाले नबी का फरमान है, आदमी को पता लग जाता है कब्र में जाते ही मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। इरशाद फरमाया रहमत वाले नबी ने, बेनमाजी आदमी की कब्र इतनी तंग होती है, ये एक पसली दूसरी पसली में घुस जाती है। इरशाद फरमाया रहमत वाले नबी ने, तवज्जो करना, जब बेनमाजी आदमी कब्र में रखा जाता है, इधर मुनकर और नकीर सवाल करते हैं, मर रब्बुक मा दीनुक मन नबीयुक, इसे क्या खबर है। ये कहता है फला दुकान का हिसाब, फला कारखाने की मिल्कियत। वो पूछते मर रब्बुक, इसने तो कभी रब को याद ही नहीं किया। मा दीनुक, इसे क्या पता दीन क्या है। मस्तूरात खवातीन जमा है, मेरी माए बहने जमा है, बताना चाहता हूं। हाँ हाँ तवज्जो करना, घर में केबल है, टीवी है, ड्रामा है, हिंदुस्तान लगा हुआ सुबह से शाम तक। फिक्र करो क्या कर रहे हैं हम। बूढ़ी औरत के अगर वो टीवी का ड्रामा समझ ना आए ना, बेटी से पूछिए क्या कह रही है, वो बताती है अम्मा ये कह रही है,
خود دیکھ رہی ہے ٹرانسلیشن برابر والی عورت کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے یہ قبر کی تیاری ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ حشر کے میدان کی تیاری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہاری مال و دولت تمہاری اولاد تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے، اگر ایسا ہو گیا خسارے میں پڑ جاؤ گے، تباہی میں پڑ جاؤ گے، بربادی میں پڑ جاؤ گے. میرپور خاص والو تم کیا میں کیا، رحمت والے نبی کی ذات ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، دروازے پر دستک ہوئی، اندر آنے کی اجازت چاہی، رحمت والے نبی بیمار ہے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی آتی ہے. آنے والے نے کہا کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا دیہاتی گوار کہیں کہ میرے ابا بیمار ہے، تجھے اندر آنے کی اجازت کی پڑی ہے؟ تجھے اندر آنے کی اجازت چاہیے؟ میرے ابا بیمار ہے، تو نہیں دیکھ رہا کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی آتی ہے. رحمت والے نبی کو ہوش آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹی فاطمہ جسے دیہاتی بتا رہی ہو، جسے گوار بتا رہی ہو، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، ورنہ یہ وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی نہیں. بڑے بڑے محلوں کو ویران کر دیا، کوٹھیوں کو ویران کر دیا، علاقوں کو ویران کر دیا، آج تک کبھی اس نے کسی سے اجازت مانگی نہیں. رحمت والے نبی نے فرمایا اجازت ہے. حضرت جبریل امین تشریف لائے، حضرت اسرائیل تشریف لائے. جبریل امین نے سلام عرض کیا، فرمایا آقا آپ کا جنت کے کون سے مقام پر گھر بنایا جائے؟ جنت النعیم میں، جنت الماوا میں، جنت الفردوس میں، جہاں آپ کہیں گے وہیں آپ کا گھر بنایا جائے گا. میرپور خاص والو رحمت والے نبی نے فرمایا جبرائیل مجھے جنت کے عالیشان مقام پر لے جاؤ گے، میرا ابو بکر صدیق تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، فاروق اعظم کا کیا بنے گا، عثمان ذی النورین کا کیا بنے گا؟ فرمایا جبرائیل چلو، ابو بکر صدیق نے میری زیارت کی ہے، فاروق اعظم نے میرے دیدار کیے ہیں، عثمان ذی النورین نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی مرتضی نے میری محفل اٹینڈ کی ہے، لیکن جبرائیل میری امت کے گناہگار، میری امت کے خطاوار، میری امت کے سیاکار کس کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے، کہاں کر کھڑے ہوں گے؟ جبرائیل میں بے وفا نہیں، وفادار نبی ہوں، قیامت کی صبح تک عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں. اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں رحمت والے نبی کی محبت دلوں میں پیدا کرو. شیخ الاسلام مولانا سید احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، میں ان اکابرین کا غلام ہوں جن کی ساری زندگیاں رحمت والے نبی کی محبت میں گزر گئی. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، توجہ کرنا میں نے کس جوان کا نام لے دیا، مولانا قاسم نانوتوی بانی ہے دارال دیوبند کا، اور کہتا ہے توجہ کرنا جیوں تو میں سگانے حرم کے پھروں اور مروں تو کھائیں مدینے کے مور و مار مجھے.